अजाब गजाब घर जमाई। चाबियां कहाँ गई? रोज तो यही रखती हूँ, ये चाबियों के हाथ पांव कब से निकल आए? अरे में क्या हुआ? हर शंख बज गया क्या? अरे शंख नहीं बजा, खतरे की घंटी बज गई, मेरी तिजोरी की चाबियां खो गई जी। अरे तुम मुझे तो हमसे भी ज्यादा संभाल के रखती हो। अरे हटो जी, चाबी मेरी बात सुनो तो। अरे क्या कर, अरे मिलेगी चाबी, हटो तो सही। अरे मेरी बात सुनो, मेरी चाबियां सुनो, मेरी साहब बात सुनो, मैं जाके एक एक आदमी से पूछता हूँ जाके। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, जब तक चाबियां नहीं मिल जाएंगी चुप रहना है। भूल मुझसे हुई है, मैं ही चाबियों का पता लगाऊंगी, तुम्हें तो बस अपना मुंह बंद रखना है। जाओ हटो। पापा, अगर आपकी ये बॉल मेरे इस बैट से टकराएगी तो सिक्स के लिए उठेगी नहीं और जाएगी। जमाई पीपल लीग में आप सबका स्वागत है। ये मैच खेला जा रहा है शक्तिशाली परिवार के जमाइयों के बीच में। शक्तिशालियों का घर अब घर नहीं बल्कि मैदान में तब्दील हो गया है। जी हाँ, और ये देखिए गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सबसे पहले मेरे ससुर जी, जिनके हाथ में गेंद नहीं बल्कि साबुन की एक टिकिया है। ये क्या, मैच की पहली गेंद होते ही मैदान में बादल आ चुके हैं। बादल अब न, 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 नानी जी, मैं तो बस कपड़े धोने जा रहा था। नानी जी मेरा तो सफाई का काम है, देख लो अब आपके सामने क्या हुआ। भूरा, खेल क्यों रोक दिया? बॉल खो गई, दूसरी है ना। अरे 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 मेरे भोले भाले प्यारे से ससुर जी, फिर से चलेगी क्या याददाश्त आपकी? अरे अभी अभी तक तो याद था, ये कपड़े धोने का साबुन ही तो लेने गए थे। ससुर जी, ये साबुन की टिकिया है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ से फिसल जाए तो पूरा दिन ढूंढने में निकल जाता है। लाइए हमें दीजिए। ये टिक्की नहीं बॉल है। नानी जी कुछ खो गया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खोया। हाँ बेटा चंट, मेरा मतलब है बेटा चिंटू, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ना काम करो, तुम्हारे पास काम है ना करने का? जी जी जी। नानी जी अगर कुछ खो गया है और नहीं मिल रहा है तो मुझे बता दीजिए। वो क्या है ना कि सुबह के मेरे जितने काम थे वो मैं कर चुका हूँ। तिजोरी की चाबी पर जरूर इस चंट चिंटू ने हाथ साफ किया होगा। मुंशी जी ने जैसी बनाई थी ना बस वैसी बन जाए। नानी क्या बना रही है बेटा? अरे मैं चिंटू जी के लिए ना नई रेसिपी बना रही हूँ, बन जाएगी ना तो आपको भी दूंगी। अच्छा, मुझे तो लगा था शादी के बाद तो अपनी नानी को भूल ही गई। कैसी बात कर रही हो नानी, हम जानते हैं सबसे ज्यादा प्यार आपने हमें ही दिया है। कुछ खो गया है नानी? देख डॉली, तू तो जाने कि तेरे अलावा मैं किसी और से अपने मन की बात नहीं कहती। तिजोरी की चाबी खो गई है। चाबी? आपको किसी प्रकार का भय है? आपके मुंह में कोई जीवाणु या विषाणु तो नहीं पनपने लगा है? नहीं, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए बताइए। मेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द है तो मुंह पर से हाथ हटाइए, बताइए क्या बीमारी है, मैं अपने प्रयोग से आपके रोग दूर कर दूंगा। नहीं, तो... नहीं, नहीं, आपका प्रयोग नहीं चाहिए, आपका प्रयोग। वैसे भी अगर मैं बात नहीं बताऊंगा तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। हाँ। तुम्हारे सासू माँ की तिजोरी की चाबी खो गई। अब आराम मिला है। चाबी? कौन सी चाबी? भूरा, क्या नानी सास की तिजोरी की चाबियां खो गई? ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अरे भाई, तिजोरी की चाबी है, कोई रंगमंच की कठपुतली नहीं।
ये चाबियां ढूंढने का मिशन इम्पॉसिबल अब हम पॉसिबल करेंगे। हम क्या पॉसिबल करोगे तुम? हम अपना ड्रीम पॉसिबल करेंगे फरखुरदार, अपना ड्रीम। चाह रहे हैं हम कोई बात तो है जो ये लोग मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे, पर अपना भी नाम चिंटू चौटाला है, क्या गड़बड़ है पता लगा के ही रहूंगा। चाबियां कहां गई? चाबियां किसकी? चाबियां ये चाबियां कौन सी? चाबियां कौन सी चाबियां? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी चाबियां? अरे कमाल कर रहे हो ससुर जी, अभी खुद तो बड़बड़ाते हुए आ रहे हो उन सीढ़ियों से नीचे जो सीढ़ियां ऊपर जाती है, किस चाबी की बात कर रहे थे? मैं सीढ़ियों से नीचे आया। हाँ सीढ़ियां तो ऊपर जा रही है, पर मैं नीचे क्यों आया? चाबियां कौन सी चाबियां? कहाँ जा रहे थे आप? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा था? भूला। आप एक काम कीजिए, इन सीढ़ियों से ऊपर जाइए। ऊपर जाइए। किन चाबियों की बात कर रहे थे नानी जी? ये रही आपकी चाबी है नानी जी? नहीं यार ये नहीं चलेगा। हाँ नानी जी ये रही आपकी चाबी है नानी जी? सच कह रहा हूँ, मैंने ढूंढी है नानी जी, गंगा मैया कसम नानी जी। नानी जी हाँ, जब तक आपका ये जमाई जिंदा है आपकी ये चाबियां आपसे कोई अलग नहीं कर सकता नानी जी। टन 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 टन। वाह मेरी रिद्धि, वाह मेरी रोशन, क्या लग रहे हो? शाहरुख से कम और ऋतिक से ज्यादा, क्या एक्टिंग की है चाबियों वाली। आप किन चाबियों की बात कर रहे हो जीजू? घर में कुछ तो हुआ है, ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं, क्या हुआ है? अरे चंचू जी, अरे क्या, हे भगवान क्या हो गया? डॉली जी क्या ढूंढ रही हो? आपको पता नहीं चंचू जी? क्या पता होता तो मैं पूछता क्या? अरे अरे नानी से तिजोरी की चाबियां कहीं खो गई है। हाँ तो बस हम वही देख रहे हैं कि किसी की गलती से हमारे कमरे में तो नहीं आ गई। बस नानी जी की तिजोरी की चाबियां खो गई है। हाँ तिजोरी की चाबी, गलती से ये तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ लग जाए फिर आएगा मजा। मिली क्या? नहीं। कहाँ गई? आप तो बस मुझे ये बताइए कि आखिरी बार आपने चाबी रखी कहाँ थी? अरे छछूंदरी, मुझे याद रहता तो खुद ही ना ढूंढ लेती। तुम तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैया ये बोल, वो कहावत नहीं सुनी है, दीवारों के भी कान होते हैं। मैया अरे इतना भी धीरे मत बोल कि मुझे सुनाई ना दे। मैया आपके मुंह से सुना तो बहुत बार है लेकिन कभी देखे नहीं है ना दीवारों के कान। बिहारी इसकी बुद्धि की बलिहारी। नानी जी जय हो, चिंटू बोल रहा हूँ, अंदर आ सकता हूँ क्या? चिलगोजे को क्या चाहिए? अंदर आ जाओ चिंटू बेटा। नानी जी की जय हो। सही है नानी जी, बहुत सही कर रहे हो आप, बहुत सही कर रहे हो। इस घर में इतना बड़ा कांड हो गया और आपने आपने अपने चिंटू तक को नहीं बताया, इतना पराया कर दिया मुझे। अरे चंट है? मेरा मतलब है बेटा चिंटू, अब क्या कांड हो गया, क्या नहीं बताया हमने तुम्हें? अरे मैया वो बता रहा है ना, वो बोलो बेटा। नानी जी वही कांड हुआ है जो घर में सबको पता है और हमें अभी अभी पता लगा है। अरे बेटा बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधी सीधी बात बताओ। ठीक है नानी जी, सीधी बात सुननी है ना आपको, तो ठीक है हम कसम खाकर बोलते हैं नानी जी, आज शाम को सूरज ढलने से पहले पहले अगर आपकी तिजोरी की चाबियां और तिजोरी की चाबियां जिसने चुराई उसको आपके सामने लाकर खड़ा नहीं कर दिया ना, तो शक्तिशालियों के घर पे बिजली गिरे तुरंत। जमाई जी झूठ कहूं तो ना सच मां। वाह चंट बेटा, नाटक करने में तेरा जवाब नहीं। अजब गजब घर जमाई।